हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा नया लेक्चर एक नए कंसेप्ट के साथ शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो खत्म कर लिए हैं। आज बेटा बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है? और वो कंसेप्ट नंबर शायद 64, आप मेरे साथ साथ लिखना शुरू करना। लो बेटा लिखो फटाफट से। बाबू मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की, और जब आपने इंट्रोडक्शन लिखा है तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ये लिखा है कि बेटा हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ना ये डिस्कस करते हैं कि कंपनी किस रेट पे प्रॉफिट कमा रही है। और बाबू जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं वो सब परसेंटेज में रिप्रेजेंट की जाती है। और बेटा परसेंटेज में आएंगी कैसे, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो। मैथ्स वाले बच्चों तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, किसी भी चीज़ को मुझे परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो बेटा 100 से मल्टीप्लाई तो करनी ही पड़ेगी। अब वो पहली रेशो है जीपी रेशो, मुझे बताना है कुछ नहीं। जीपी रेशो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, इसके इक्वलेंट है जीपी अपॉन नेट सेल्स के। अब वो और जब भी जीपी निकालना होगा वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ एसपीएल, कभी भी जीपी निकलवा ही नहीं सकता। मैं तो जीपी निकलवाता ही नहीं, वहाँ क्या करते हो आप बेटा? हम तो टोटल इनकम निकाल के बैठ जाते हैं, सीपीसी, ईएफडीओ, सात खर्चे माइनस करते हैं, सीधा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुँचते हैं। टैक्स माइनस करो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो नेट प्रॉफिट ही तो है, जीपी तो निकलवाता ही। तो बेटा ध्यान रख लेना, जीपी निकालना है तो मैं वही करूँगा जो मैं करता आ रहा हूँ 11th क्लास से, टी फॉर्म ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है ना जी? मैं भी जब मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की बात करी तब भी मैं जीपी में यही बात बोल रहा था कि मेरे को टी फॉर्म ही बनाना है, उसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? बाबू इस रेशो में मैं बहुत सारे प्रॉफिट की बात करूंगा, जैसे कि नेट प्रॉफिट रेशो, जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, जो भी आपने पढ़े हैं सारे की बात करनी है, ठीक है जी? अब बाबू मैं एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूँ फिलहाल। तो याद है जब मैंने शॉर्टकट बताया था, अगर बाबू प्रॉफिट वन थर्ड ऑफ कॉस्ट है तो सेल्स का कितना है? 1/4। अगर 1/4 ऑफ कॉस्ट है तो 1/5, 1/5 है तो 1/6, 1/6 है तो 1/7। तो मैंने एक बात बोली थी, खाली ये यहाँ काम नहीं आएगा बेटा, आगे भी काम आएगा। बोला था ना खाली यहाँ काम नहीं आएगा, आगे भी काम आएगा। तो बाबू आज पता लग जाएगा एक बात। दूसरी बात, कल बेटा अगर सीधा लिखा आ रहा था ना जीपी रेशो 20%, जीपी रेशो 30%, तो मैं आपको हमेशा एक बात बोलता था, अगर ये ना बताए ना जीपी किसके सेंस में है, आप हमेशा सेल्स के सेंस में मानना। पता क्यों कह रहा था? इसी रेशो की वजह से। अगर कभी आपको जीपी रेशो ना दे और ये ना बता, जीपी रेशो दे दे और ये ना बताए कि किस सेंस में है, हमेशा जीपी रेशो सेल्स के सेंस में होती है, मुझे वो ये रेशो बताती है। इसकी वजह से मैं कल आपको कह रहा था, एक क्वेश्चन कल मैं कर रहा था जिसमें जीपी रेशो दी हुई थी, ये नहीं बताया था कि वो कॉस्ट के सेंस में है सेल्स के सेंस में, तो मैंने कहा था हमेशा सेल्स के सेंस में मानना क्योंकि लॉ मुझे ऐसा करने नहीं कहता। क्लियर है बात? पक्का से? चलो जी, अब बाबू आपको दिखाता हूँ बैक टू बैक 5 से 6 क्वेश्चन, और मजा ही आ जाएगा देख के क्वेश्चन। बाबू पहला क्वेश्चन था यार बिल्कुल खत्म है, ये रहा जीपी, ये रहा सेल, आपको कहता है जीपी रेशियो निकाल लो, और कोई मजाक नहीं मिली आज सुबह सुबह। बाबू कहता है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, बेटा टी फॉर्म बैलेंस शीट बनाना मत बोलना, सॉरी टी फॉर्म ट्रेडिंग अकाउंट बोल मत बनाना मत बोलना, मुझे लगता है तो उससे आसान कोई रास्ता नहीं हो सकता। बेटा टी फॉर्म ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं, दिखा दोगे ओपनिंग स्टॉक 50,000, फिर नेट परचेजेस दिखाते हैं, नेट परचेजेस मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ये री परचेज और ये है परचेज रिटर्न, मतलब 1,30,000। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाते हैं जिसमें वेजेस और कैरिज इनवर्ट नाम सबसे ज़्यादा आते हैं 12th क्लास में। वेजेस गिवन है बेटा 10,000 रुपये, ये भी दिखा दिया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स दिखा दिया, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपये दिखा दिया, ये 2,90,000 और ये 1,90,000। जीपी कितना आ गया? 1,00,000। 1,00,000 अपॉन 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, खत्म, ठीक है जी? तो टी फॉर्म ट्रेडिंग अकाउंट बहुत काम करेगा आपको, मजा ही आ जाएगा बेटा जीपी रेशो में। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं।
बाबू अभी 98 क्वेश्चन मत करना जब तक मैं ना कहूँ। एक आईसीआर पे क्वेश्चन छुटा हुआ है, एक 98। आगे बढ़ते जाओ। क्वेश्चन गिवेन है आपको, कैलकुलेट द जीपी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फो। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेजेस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। मुझे नहीं पता बेटा ये क्या क्या मनवाएंगे आपसे और क्या क्या करेंगे, मेरे को तो एक ही चीज समझ में आती है जीपी रेशियो में, टी फॉर्म ट्रेडिंग अकाउंट, दैट्स इट। प्लीज सामने देखना बाबू, उसने मुझे क्रेडिट सेल्स दी 3 लाख, कहता है कैश सेल्स कितनी है, 25% है टोटल सेल्स का। अगर कैश सेल्स 25% है टोटल सेल्स का तो क्रेडिट सेल कितनी होंगी, 75% होंगी टोटल सेल्स का, है ना बाबू। क्रेडिट सेल्स कितनी गिवेन है, 3 लाख, कितनी है क्रेडिट सेल्स, 75% है टोटल सेल्स का। टोटल सेल्स निकाल लो, यानी कि 3 लाख डिवाइडेड बाय 75%, 75% परसेंट हटाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100, 3/4 यानी कि 4 लाख रुपए आ गई टोटल सेल्स। सेल्स दिखा दी टी फॉर्म में, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। परचेजेस गिवेन है 3,20,000, मैंने परचेजेस पे लिख दी 3,20,000। कहता है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है। इधर देखना प्लीज मेरी तरफ बाबू, टी फॉर्म में मुझे क्या लिखना होता है, यहाँ ओपनिंग स्टॉक लिखना होता है, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखना होता है, यहाँ नेट सेल्स, यहाँ नेट परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर जीपी आता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे नहीं रखे जीरो, इसने बोला क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है ओपनिंग से 40,000, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। ना इसने क्लोजिंग इन्वेंटरी की फिगर दी ना ओपनिंग इन्वेंटरी की दी, जबकि मुझे यहाँ क्रेडिट साइड में क्लोजिंग लिखना है, यहाँ पर ओपनिंग लिखना है। प्लीज मेरी तरफ देखना, अगर बेटा मुझे डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक को लिखना है, अगर मैं क्रेडिट में लिखूंगा तो माइनस में ही तो जाएगा, क्रेडिट में लिखूंगा तो माइनस में ही तो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बाय क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बाबू यही फिगर मुझे 40,000 रुपये दी हुई है, देख लो पढ़ो। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक इज 40,000, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से 40,000 है, मैंने दिखा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। दोनों दिखाए गए, क्लोजिंग भी दिखाया गया, ओपनिंग भी दिखाया गया, ऐसा करने से ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। बाबू 4,40 में से 3,20 गए, जीपी कितना आ गया, 1,20, 1,20 अपॉन 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 30% आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, इजी वन। आगे बढ़ सकते हैं पक्का, चलो जी आप कह रहे हो तो बाबू सेम क्वेश्चन ये है, अब सोचना एक आध बात आप भी, ठीक है ना जी, नहीं होएगा तो कल प्रॉब्लम देखेंगे। अब एक बात बता देता हूँ, अब मैं दिखाता हूँ असली ताकत, वो तो मैंने शॉर्टकट बताया था, थैंक्स मी लेटर, क्वेश्चन पढ़ लो पहले मजा ही आ जाएगा। कैलकुलेट जीपी रेशो, जीपी रेशो पूछा है किसकी सेंस में बतानी है, सेल्स के सेंस में दिया हुआ है, जीपी इज 1/4 ऑफ कॉस्ट, दैट मीन्स 1/5 ऑफ सेल्स, दैट मीन्स 20% इज द आंसर। पता नहीं क्या क्या कर रहे, कर लो क्या कर रहे, अब दिखाता हूँ तुम्हें मजा आ जाएगा। मैंने कहा था आएगी, मेरी बातें ऐसी होती हैं बस, आज वो लग जाता है, 10-10 दिन भी लग जाते हैं, 10-10 महीने भी लग सकते हैं भाई कोई बात को प्रूव करने के लिए। जीपी इज 1/4 ऑफ कॉक्स, 1/4 ऑफ कॉक्स मतलब 1/5 ऑफ सेल्स, कर ले तो जो तो ले करना है। क्या हो गया, साफ सुन गया, मैंने तो आगे कुछ पढ़ा ही नहीं, जीपी रेशियो निकालनी है, जीपी दिया मैं 1/4 ऑफ कॉस्ट, 1/5 ऑफ सेल्स ही आएगा, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी डेटा दे दे जो तेरे को देना है, ठीक है जी। बहुत कुछ दिया होगा, करते रहो इसको जो करना है, ये आप करना क्वेश्चन, अगेन टी फॉर्म ट्रेडिंग अकाउंट बनाना तभी होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ाते हैं, ये देखो बाबू, सेलिंग प्राइसेस 1/3 अबव कॉस्ट, सेल प्राइस कितना है, 1/3 है कॉस्ट का, यानी कि 1/3 ऑफ कॉस्ट मतलब 1/4 ऑफ सेल्स, लेंथ तो देखो क्या क्या नहीं सॉल्व कर रखा, क्या क्या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो थी उससे कॉक्स निकाला, कॉक्स
कॉग्स से सेल्स निकाली, सेल्स से फिर जीपी निकाला सेल्स के सेंस में, मैंने एक मिनट में बता दिया आपको। ठीक है जी, चलो मैंने तो कहा था ताकत है भाई, तुम समझो तो शॉर्टकट में तो बहुत ताकत है, तुम्हारी समझने के ऊपर है, कोई जल्दी समझ जाता है कोई बात नहीं। बाबू अब अगली रेशो काम की है, जब अगली रेशो करा देंगे तो वाइंड अप करेंगे, एक और रेशो मेरे साथ साथ लिखो। आज का होमवर्क पहले ही बता देता हूँ, 108 इलस्ट्रेशन तक हम पहुँच जाएंगे। आप 95 या 96 तक पहुँच चुके हो, 95 तक 108 तक पहुँच जाएंगे। ठीक है जी, बस चैप्टर खत्म होने की कगार पे और दो तीन लेक्चर समझ लो। लिखना बाबू मेरे साथ साथ, फटाफट से बेटा ये लिख लो, फिर मेरा एनालिसिस उस पर थोड़ा सा ज़्यादा है, आप लिखने वाला काम निपटा दो। बेटा अब सब सामने देखेंगे, 15 मिनट कोई भी बच्चा कुछ लिखेगा नहीं, वरना इस रेशो का रहता होना तय। ठीक है जी, बिल्कुल कोई कुछ नहीं लिखेगा, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा ऑपरेटिंग रेशो की चर्चा कर रहा हूँ, पहली बार आराम से ये देख लो, मैंने वर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं लिखा, मैंने लिखा है ऑपरेटिंग रेशो। और सच मायने में अगर मैं बताऊं ना, तो मैं अपने दिमाग को समझाने के लिए यही बात बोलता हूं, ये जो रेशो है ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो है। ऑपरेटिंग रेशो का मतलब कुछ और नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने से आपके कितने खर्चे हो गए, ये रेशो यही बताएगी। अल्टीमेटली मैं साबित कर दूं पहले, फिर सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपको। बाबू फॉर्मूला है कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100%। बाबू ये क्या चीज होती है ऑपरेटिंग खर्चे, ये क्या चीज होती है ऑपरेटिंग इनकम? कॉक्स तो पता है हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो पता है, मैंने पूरी PhD कराई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो समझाने के लिए। कॉक्स वर्ड बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया हुआ है ना मैंने बेटा, ठीक है ना, जो मैंने गुड्स बेचा उसकी कीमत मुझे क्या पड़ी, ठीक है ना। सेल्स माइनस जीपी भी कॉक्स होता है, और ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी कॉक्स होता है, वो सब मैंने बताया आपको। मुझे चर्चा करनी है मेन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर, ऑपरेटिंग इनकम पर, ठीक है जी। सामने देखते जाना, बड़े काम की बात कर रहा हूँ। बाबू मुझे ना कभी कभी ये लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में ना अगर आपको कोई भी फंसाना चाहे फंसा नहीं सकता, अगर टी फॉर्म सब कुछ जानते हो, ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट और अच्छे से बनाया है 11th क्लास में। बाबू मैं वहीं से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं कहना चाहता हूँ, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट आया मान लो ग्रॉस प्रॉफिट, पी एंड एल अकाउंट बनाने के लिए शुरुआत होती है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से, आपने ब्रॉड डाउन कर लिया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। मैंने बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना बहुत सारी इनकम लिखी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत सारे खर्चे लिखे, सारी इनकम जोड़ दी, सारे खर्चे माइनस कर दिए, तो जो रिजल्ट आया उसका नाम है नेट प्रॉफिट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो? ये जो बेटा मैंने खर्चे माइनस करे, अगर मैं इनको कैटेगराइज करना चाहूँगा तो ये दो तरीके के खर्चे हैं। कौन कौन से दो तरीके के? बाबू बहुत सारे खर्चे हैं जो ऑपरेटिंग खर्चे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी खर्चे मैंने माइनस कर दिए जो नॉन ऑपरेटिंग है, इनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। अब उस सेम वे जब मैंने इनकम जोड़ी ना, मैंने दो इनकम जोड़ दी, ऑपरेटिंग इनकम भी जोड़ दी और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी जोड़ दी। बाबू ये ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग से क्या मतलब है बेटा? ऑपरेटिंग खर्चे और ऑपरेटिंग इनकम का क्या मतलब है? जो दुकान से हुए, मेरे बिजनेस से होने वाले खर्चे, मेरे बिजनेस की इनकम, वो है ऑपरेटिंग इनकम बेटा। और कोई और तरीके की भी इनकम होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होती है बेटा। एक आदमी कि जो बिजनेस से इनकम नहीं हो रही, कहीं और से हो रही है, समझाने के लिए बात बोलता हूँ बेटा। बाबू आप 5-स्टार जनता हो, ये आपकी दुकान है, ठीक है। जितना भी आप सामान बेच रहे हो, सेल्स में दिखा रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा रहे हो, जो अल्टीमेटली जीपी में आ ही रहा है, बाबू दुकान से कोई और इनकम भी हो सकती है क्या सेल के अलावा? हो सकती है।
बेटा आपने ना हल्दीराम का सामान ना बल्क में खरीदा, क्योंकि आप कन्फेक्शनरी भी बेचते हो, आपने बल्क में खरीदा, उन्होंने डिस्काउंट दी। बाबू अगर उन्होंने डिस्काउंट दी तो मैंने यहाँ पर लिखा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, कोई भी अमाउंट लिखा, आपको नहीं लगता ये मेरी दुकान की इनकम है? दुकान चला रहा हूँ तो सामान बल्क में खरीद रहा हूँ, बल्क में खरीद रहा हूँ तो इनकम हो रही है, ये तो दुकान से ही हो रही है इनकम, ऑपरेटिंग इनकम। या किसी और कंपनी ने मुझे कहा जी मेरा सामान अगर मान लो डेयरी मिल्क चॉकलेट उठा लिया आपने बल्क में, कैडबरी ने कहा आपको अगर आप बल्क में उठाते हो तो आपको कमीशन देंगे, बेटा आपको कमीशन मिली, बेटा दुकान से होने वाली इनकम है कमीशन रिसीव, वही ऑपरेटिंग इनकम है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं बेटा, आपका एक फ्लैट रेंट पर चढ़ा हुआ है और वहां से रेंट रिसीव हुआ 2 लाख, आपने यहां तो दिखा दिया बाय रेंट रिसीव 2 लाख, ईमानदारी से बताओ दुकान से हो रही है ये इनकम? क्या ये इनकम? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो दुकान ऑपरेट करने से नहीं हो रही। मैंने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ और वहां से डिविडेंड आया 1 लाख रुपए, मैंने दिखा दिया बाय डिविडेंड इनकम, सब दुकान से हो रही है इनकम, और ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सेम वे खर्चे भी हो सकते हैं। बाबू मान लो मैंने एक लैंड खरीदी हुई थी 10 लाख की, आज 12 की बिक गई, मैंने दिखा दिया भाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 2 लाख रुपए, सब दुकान से हुई है इनकम, नॉन ऑपरेटिंग है। अच्छा अगर यही लैंड बेचने पर नुकसान हो जाए तो? मैंने 10 की खरीदी थी 8 की बिक गई, तो लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड? सर ऑपरेटिंग है ये, दुकान से लॉस हुआ, दुकान का खर्चा है, नॉन ऑपरेटिंग नहीं है। तो बाबू खर्चे भी नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग हो सकते हैं, इनकम भी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात पक्का से? मैं बेटा बात कर रहा हूँ सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे और इनकम की, मैंने यहाँ पर बात कर दी है सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चों की, सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम की। बाबू ऑपरेटिंग इनकम के लिए बहुत आसान बात बोल रहा हूँ, सिर्फ 2 इनकम याद रख लो ये ऑपरेटिंग है, बाकी सब नॉन ऑपरेटिंग है, कुछ नहीं आएगा इसके अलावा। बाबू ये 2 इनकम कौन सी है? मैंने दोनों का एग्जांपल दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड, दैट्स इट, और कोई भी नाम आएगा सब नॉन ऑपरेटिंग है, टेंशन ना लो। क्लियर है बात? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाबू ये क्या है? डबल स्टार, अरे कितना लिखने में बिजी हो रहे हो, छोड़ दो। बाबू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है एक बात बताओ, जब मैं वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ SPL कर रहा था तो मैंने 7 खर्चे लिखे थे, CPCEFDO, पता नहीं नाम याद है कि ना है आज, क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, आ नहीं रहा होगा, आदो को नहीं आने का, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, चेंज इन द इन्वेंट्री ऑफ WIP, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक एंड ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है ना? शकल पे एक आदमी के भी शकल पे ऐसा नहीं था कि कॉन्फिडेंस था कि वो बता दे, 12 बजे हुए हैं, ठीक है ना? हालात आप देखो भैया, मैंने कहा है पूरी बुक चलती है उस पहले चैप्टर पर, अभी भी मैं उसका ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, और अभी तो अगला चैप्टर आपने देखा ही नहीं, आपको क्या लगता है बिना उस पहले चैप्टर के हो जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। बाबू ये तीनों खर्चे इन्वेंट्री से रिलेटेड है, तीनों के तीनों खर्चे, ये तो कॉक्स में ही चले जाते हैं, इसकी तो कहानी खत्म। अब बाबू इनमें से ऑपरेटिंग खर्चा क्या है? सर पूरा ई पूरा डी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, दुकान के खर्चे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, समझदार हो, सैलरी दी एम्प्लॉय को, बोनस दिया, कमीशन दिया, इसोप दिया, कोई नाम दे दो, मेडिकल एक्सपेंसेस और कैंटीन एक्सपेंसेस और ब्ला 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 ब्ला, भैया दुकान चला रहे थे तभी तो एम्प्लॉय थे, तभी तो उसके खर्चा करा, दुकान ना चला रहा होता ना एम्प्लॉय होता ना उसका खर्चा, दुकान का ही तो खर्चा है बेटा ये, सैलरी का, वेजेस का, बोनस का, कमीशन का, ब्ला ब्ला ब्ला। सेम वे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, दुकान चला रहा था तो बेटा फर्नीचर मशीन भी खरीद रखी थी, डैप लग रहा था, दुकान ना चला रहा होता ना इनको खरीदता ना डैप लगता, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड था, डिस्काउंट अलाउड, बिजनेस का खर्चा, एक बड़ा फेमस खर्चा बिजनेस का, बैड डेट। बाबू 2 और खर्चों के नाम लिख रहा हूं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बाबू दुकान चला रहा हूं
तो बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्चा कर रहा हूँ, पैकेजिंग मटेरियल पर 5 स्टार करता है खर्चा, वो स्वीट बॉक्सेस पैक करने के लिए पैकेजिंग मटेरियल पे खर्चा करता है, अपना ऐड करता है, ठीक है ना भैया, दुकान का खर्चा है, वो नहीं करेगा तो दुकान चलेगी भी नहीं भैया, ये सब कुछ करना पड़ता है दुकान में रह रहे हो तो बाबू ये सारे खर्चे मेरे ऑपरेटिंग है, 6 नाम है, ठीक है ना, एक ई और एक डी, ये तो वैसे ही याद रखना है, ठीक है ना, डिस्काउंट रिसीव था या डिस्काउंट अलाउड है, बैट एट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये 6 खर्चे ऑपरेटिंग है, बाकी जो मर्जी आ जाए सब नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है, द लिस्ट इज एग्जॉस्टिव लिस्ट, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आपकी किताब में, ठीक है। अब बाबू मैं थोड़ा सा और एनालिसिस करूँ, ठीक है ना, अभी तो मेरा एनालिसिस थोड़ा बकाया, मान लो बेटा मैंने न्यूमरेटर सॉल्व किया और न्यूमरेटर कैलकुलेट होता है 8,40,000 और डिनोमिनेटर मेरी सेल्स आती है 10 लाख रुपए, बाबू रेशो कैलकुलेट हुई 84%, मतलब इसका मतलब है बेटा दुकान पे जितनी भी सेल करते हो ना आप, जितनी भी, उसका 84% तो दुकान चलाने के ही खर्चे हैं, उसका मतलब यह है कि दुकान चलाने के ही 84% खर्चे हैं, ठीक है जी। बाबू कल मैं ना आपको एक रेशो पढ़ाऊंगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, और अगर आप समझदार हो ना, अगर दुकान चलाने के खर्चे 84% है, यानी कि दुकान से होना वाले प्रॉफिट कितना है, 16%, यानी कि बेटा ये ऑपरेटिंग खर्चों की रेशो है, मैं थोड़ी देर पहले यही समझाना चाह रहा था आपको, ये रेशो ये बताती है कि दुकान चलाने के कितने खर्चे उठाते हैं, और कल मैं पढ़ाऊंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो हमेशा इक्वल्स टू 1 होती है, यानी कि हमेशा इक्वल्स टू 100% होती है, ठीक है ना। आप बहुत लकी हो यार, आपको ये बात पता है 12th क्लास में, ईमानदारी से, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा इस चीज़ को, ठीक है, मुझे 12th क्लास में बात पता नहीं थी, पहले मैंने हवेली में एक नंबर दिया तो मुझे बात समझ में आई, भाई हमें कभी कोई टीचर समझाता ही नहीं था यार ये चीज़ें, कोई कहता ही नहीं था ये समझने वाली चीज़ है, हमें पहले दिन एक लिस्ट पकड़ाई जाती थी, एक प्रिंट आउट पकड़ाया जाता था, बेटा ये आज मैंने 4 रेशो पे क्वेश्चन कराने, पढ़ो पढ़ो, हाथ रख के रट्टा मारा, क्वेश्चन शुरू कर दिया, हमें लगता था हमें समझ में आ रहा है, पेपर में एक दिन क्वेश्चन आ गया ऑपरेटिंग रेशियो इज 84%, यही फिगर थी, मैं बोलता नहीं हूँ, ऑपरेटिंग रेशियो इज 84% कैलकुलेट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में सर पकड़ के बैठा हूँ, ये क्या है, मुझे तो आता ही, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ आपको, एक नंबर दिया मैंने आप हवेली में तो मुझे समझ में आया कि ये दोनों का रेशियो का टोटल 1% होता है, तो भाई समझ लो, शायद कीमत बाद में पता लगे इसकी, हमने तो समझा नहीं था, हम तो जानते हैं बहुत अच्छे से, ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर मुझे मेरे जैसा कोई टीचर टकर जाता है ना, ऑल इंडिया रैंक होती, इतना तो मैं पढ़ता था, इतना तो मुझे मेरे ऊपर विश्वास है, मैं आज भी इतना पढ़ता हूँ, तुम नहीं पढ़ते होंगे बाबू, बात क्लियर हुई है, क्या है ऑपरेटिंग रेशो। एक आध बार ना मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, आपने यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम भी तो माइनस किया है, ये कहाँ से ऑपरेटिंग खर्चे बताती है रेशो, अब पता नहीं है बाबू आप कैसे किस चीज़ को इंटरप्रेट करते हो, मैंने उसको ना एक बात समझाने की कोशिश करी, आपको भी वही समझाने की कोशिश करता हूँ, इस वर्ड से कंफ्यूज मत हो बेटा, अल्टीमेटली आप देखोगे ना मैं बिजनेस के नेट ऑपरेटिंग खर्चे निकाल रहा हूँ, मान लो बिजनेस चलाने का मेरा खर्चा आया 8 लाख रुपये और बिजनेस से मुझे ऑपरेटिंग इनकम हुई 2 लाख, यानी कि बेटा मैं नेट खर्चा ही तो निकाल रहा हूँ कि नेट खर्चा 6 लाख हुआ, ठीक है ना, इस वर्ड से कंफ्यूज मत हो कि ऑपरेटिंग इनकम लिखी है, अब ये इंटरप्रेट भी तो करो कि मैं उसको एक्सप्लेन कैसे कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये रेशो बेटा बिजनेस के खर्चे ही बताती है और वही बताएगी, ठीक है जी। बाबू इस पर भी वेस्ट मेरे पास 2-3 क्वेश्चन बुक में हैं, आप प्रैक्टिस करना हो जाएंगे, क्योंकि 2-3 ही है, मैं नहीं कर रहा, सीधा सीधा बोल रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी, आपसे हो जाएंगे 2-3 ही क्वेश्चन है इस पर वेस्ट, ठीक है, 101 तक आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, 96 से लेकर कल आना, पहले प्रॉब्लम लेना, फिर ऑपरेटिंग रेशो में स्टार्ट करूँगा, रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।